मिनट में हमें आखिरी दो मिनट में फॉगी टाइम में दो गोल देखने मिला है हमें। क्या वाल्सकिस टीम कर देंगे? वाल्सकिस अभिषेक बच्चन के सामने बखूबी परफॉर्मेंस दिखाते हुए। पहले अभिषेक बच्चन का एक हाथ उठा था, दूसरा गोल दागने के बाद उसके दोनों हाथ उठ गए। विक्रमजीत का लेजी पास और अब फायदा उठा सकती है चेन्नई एनएफसी। हापा थोई वाल्सकिस, दो मैच में दो गोल इस लिथुएनियन खिलाड़ी के नाम, और जो स्कोरिंग की कहानी थी बरकरार रखती हुई चेन्नई एनएफसी, अब तो चमत्कार नहीं, अब तो यही है काम। सुपर मचांस के नाम एक और सुपर गोल। ड्रैगोस का कॉर्नर, हेडर भी निकाला, वाल्सकिस सुपर मचांस के सुपर हीरो, 2-1 की बढ़त चेन्नई एनएफसी के नाम। वाल्सकिस 2 ओडिशा एफसी 1। पर गिरलारो थॉयसिंग खाली खड़े, क्या देंगे उनको? नहीं, बीच में गेंद, क्या ये गोल हो सकता है? और ये गोल, बेहतरीन गोल यहां पर, चेन्नई एनएफसी को यहां पर बढ़त। कमाल यहां पर चेन्नई एनएफसी का, कर दिया है पलटवार। क्या यहां पर मैच के 26वें मिनट में पहला गोल यहां पर, और सुब्रत पॉल एक बेहतरीन गोलकीपर को यहां पर बीट करते हुए। क्रिबलारो की बॉल वाल्सकिस के लिए, और अब छांगते छांगते इस बार 2-1 यकीनन चेन्नईयन के नाम। ड्रामा कभी खत्म ही होगा, मरीना अरीना में मेहम, मरीना मचांस 2-1 से आगे। यहां पर ऐसे प्रयास मार सकते हैं, छांगटे वाल्सकिस, 3-1 चेन्नई के नाम। इस बार वाल्सकिस का गोल घोषित किया जाएगा, तकदीर ने साथ दिया चेन्नई का, तकदीर साथ दे रही है वाल्सकिस की। नंबर्स की कमी नहीं चेन्नई के लिए, अच्छा मौका बना, खुशी का माहौल देखिए जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में, 125वां गोल इस सीजन का। और अगर इस टूर्नामेंट की शुरुआत शुरू होने से पहले की अगर बात करें, गलती यहां पर आशीष राय की, और एक तोहफा क्रिबलारो के लिए, उनका तीसरा गोल तोहफा, यही कहानी रही है हैदराबाद एफसी की। वाल्सकिस के पास काफी जगह, वहां पे छांगटे भी खाली है। वाल्सकिस छठा गोल, डेरियस वाल्सकिस का, चेन्नई एनएफसी ने पकड़ बना ली इस गेम में। पहले हाफ के अंत में 3 मिनट के अंदर अंदर दो गोल कमलजीत के गोल पर पड़े। क्रिबलारो वाल्सकिस के लिए, वाल्सकिस चेन्नई के चहीते डेरियस वाल्सकिस, 3-0 की बढ़त मरीना मचांस के नाम, और उनके सबसे बेहतरीन खिलाड़ी का 7वां गोल इस सीजन, 2 गोल इस मैच में और 2 लाजवाब फिनिश। वाल्सकिस चिप बॉल शेमरी के लिए, ऑफसाइड फ्लैग नीचे है, 2-0 कर सकते हैं शेमरे, सेव सुभाशीष का, वरना गेम ओवर हो जाता। अब वाल्सकिस क्रिबलारो को बोलते हुए, अगर आप कर सकते हैं तो मैं पीछे नहीं रहूंगा, और बिल्कुल ही टॉप कॉर्नर में जाते हुई बॉल। लेकिन अगर हम वहां देखें तो कमोर्स की कोई ब्लॉक नहीं, अब अगर इतनी दूर से शॉट ले रहे हैं तो कोई डिफेंडर को वहां मौजूद होना चाहिए कि ब्लॉक करे। एक और तेज तरार रन, इस बार फिर वाल्सकिस को ढूंढना, और वाल्सकिस ने गोल ढूंढ लिया है। लीजिए मरीना अरीना में चेन्नई एनएफसी 1-0 से आगे, और वाल्सकिस का इस सीजन का ये 9वां गोल।
यहां पे वेल्सकिस एक बार फिर चिप किया, एक बार फिर गोल मिला। शुभ्रतो पॉल को किया बीट, डबल डिजिट्स में पहुंच गए हैं इस सीजन। नेरियस वेल्सकिस के नाम अब 10 गोल इस मैच में, उनका दूसरा। और ये तेवर देख रहे हैं हम चेन्नई के बार बार, क्योंकि बढ़त दुगनी हो गई है ओवेन कॉयल की टीम की। स्टार स्ट्राइकर, स्टार स्कोरर, शार्प शूटर, 2-0 की बढ़त, वेल्सकिस का गोल। और काउंटर बन गया यहां पर, गलती फिर से डिफेंस में और चौथा गोल। छा गए चांद थे, 4 चेन्नई के नाम। और छठा गोल क्या चेन्नई का आएगा? आ गया बिल्कुल, क्योंकि वेल्सकिस उनके पास आई गेंद, उनको मिला मौका और चूके नहीं वेल्सकिस। छठा गोल चेन्नई के लिए। क्रॉस लो बॉल और अनिरुद्ध थापा के लिए आसान। लगभग लगभग वक्त खत्म। वेल्सकिस, वेल्सकिस आखिरी बोली किसकी? वेल्सकिस की। आज की शाम चेन्नई के नाम। ये 4 बार गोल मिला है उनको उन 18 शॉट्स में। यहाँ पे कॉर्नर चांस है और गोल भी है, लेकिन लीजिए गोल दागा किसने? लुसिया गोयान ने अपनी भूतपूर्व टीम के खिलाफ। लुसिया गोयान का ये चौथा गोल और ये सेट पीस से आया। जर्मन प्रीत वेल्सकिस, जबरदस्त खेल चेन्नई एफसी द्वारा। एलिसाबिया, ये जादूगर अपना जलवा दिखाते हुए चेन्नई के सुपरस्टार्स, सुपर मचांस के सामने गोवा को गोन करते हुए 3-0। और क्या गोल होगा जी? वेल्सकिस का दूसरा गोल, 2-2 की बराबरी यहां पर चेन्नई एफसी की। वेल्सकिस का कमाल बरकरार और ये उनका 14वां गोल आईएसएल सीजन 6 का। फिलहाल दिनलियाना फायदा उठाना चाहेंगे इस बात का। फाफ पोस्ट की दिशा में क्रॉस आया, जेरी दूसरी ओर, वेल्सकिस के लिए बॉल बनी है। वेल्सकिस सुपर बी चेन्नई के लिए एक गोल मारते हुए।